नमस्कार, हमारी आज की खास पेशकश शिखर का सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। जब भी कोई जुर्म होता है, किसी का हक मारा जाता है, जब सही और गलत को लेकर विवाद खड़ा होता है, तो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लोग पहले सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और जब वहां से भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जो न्याय का सर्वोच्च मंदिर कहलाता है। और न्याय के सर्वोच्च मंदिर का फैसला सर्वमान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देश का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है, जिस पर पूरे देश को भरोसा होता है। और इसी भरोसे की कुर्सी तक पहुंचने वाले 42वें व्यक्ति का नाम है जस्टिस H.L. दत्तू। भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने पर ET परिवार की ओर से जस्टिस दत्तू को हार्दिक बधाई। सचमुच जस्टिस दत्तू के सामने कई नई चुनौतियाँ हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश को जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसे दूर करना होगा। पिछले कुछ महीनों से सरकार और जुडिशरी के बीच एक प्रकार से वैचारिक अंतर नज़र आ रहा है, एक टकराव की स्थिति बन रही है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जस्टिस दत्तू के सामने यही है कि इस खोए हुए पारस्परिक विश्वास को फिर से उन्हें कायम करना है, संबंधों को नॉर्मल करना है, ताकि लोकतंत्र के ये दोनों पहिए ढंग से सुचारू रूप से काम कर सकें। आने वाले महीनों में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल का भी एग्जीक्यूशन होना है। इस बिल का एग्जीक्यूशन ठीक ढंग से हो, सरकार और जुडिशरी के बीच मतभेद नहीं हों और लोकतंत्र के ये दोनों पाए अच्छे ढंग से काम करें, ये सब चुनौतियाँ आज नए चीफ जस्टिस के सामने हैं। जस्टिस H.L. दत्तू, जिनका पूरा नाम हंडियाला लक्ष्मी नारायण स्वामी दत्तू है, ने कल यानी रविवार को देश के 42वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। जस्टिस दत्तू देश के चौथे मुख्य न्यायाधीश है, जो कर्नाटक की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। शनिवार को जस्टिस R.M. लोढ़ा की सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने 63 वर्षीय जस्टिस दत्तू 2 दिसंबर 2015 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस दत्तू के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश R.M. लोढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई मंत्री और विपक्ष के नेता मौजूद रहे। कर्नाटक का एक बेटा आज देश का मुख्य न्यायाधीश बन चुका है, जिनका नाम है जस्टिस H.L. दत्तू। जस्टिस दत्तू ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय किया है। जस्टिस दत्तू कर्नाटक के चौथे ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। जस्टिस दत्तू से पहले कर्नाटक के 3 और शख्स मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिनमें जस्टिस E.S. वेंकट रमैया, जस्टिस M.N. वेंकट चिलैया और जस्टिस S. राजेंद्र बाबू शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं जस्टिस H.L. दत्तू के लंबे सफर पर। कर्नाटक के सुदूरवर्ती एक छोटे से गांव में जन्मे न्यायाधीश हंडियाला लक्ष्मी नारायण दत्तू न्यायपालिका के क्षेत्र में आज उस मुकाम पर हैं, जिसका सपना इस सेवा में आने वाले लाखों लोग देखते हैं, लेकिन इक्के दुक्के लोग ही इसे साकार कर पाते हैं। जस्टिस दत्तू का जन्म चिकमंगलूर जिले के एक छोटे से गाँव काडुरू में हुआ, जहाँ सुविधाओं का घोर अभाव था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत वे आज देश की न्यायपालिका में सबसे ऊंचे पद पर आसीन हो चुके हैं। जस्टिस दत्तू की प्रारंभिक शिक्षा कन्नड़ मीडियम स्कूल में हुई, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि किसी भी ऊंचे पद पर पहुंचने में भाषा कभी बाधा नहीं बनती। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस R.M. लोढ़ा सेवानिवृत्त हुए और सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने के नाते H.L. दत्तू का उनके उत्तराधिकारी के रूप में चयन किया गया। जस्टिस दत्तू 2015 तक 15 महीने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर अपनी सेवा देंगे। न्यायपालिका के क्षेत्र में साल 1975 में बैंगलोर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जस्टिस दत्तू ने M.R. जनार्दन के निर्देशन में जूनियर वकील के तौर पर काम किया। तब से उन्होंने सिविल, आपराधिक, टैक्स से जुड़े मामलों और संवैधानिक विवादों समेत कई केसों पर काम किया। साल 1983 से H.L. दत्तू ने लोक अभियोजक के रूप में काम किया। उसके बाद आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर भी उन्होंने अपनी सेवा दी।
1990 से 1993 के बीच जस्टिस दत्तू ने जहां आयकर विभाग में कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाई, वहीं 1992-93 में वे आयकर विभाग के वकील बने, जबकि 1993 से 95 के बीच उन्होंने आयकर विभाग में वरिष्ठ वकील के रूप में सेवा दी। 1995 में उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया। सरकारी वकील रागी और सेवे सलसिद बारह वर्ष का काला सरकार। जस्टिस दत्तू ने एक कानूनी सलाहकार से लेकर वरिष्ठ वकील के तौर पर लंबे समय तक आयकर विभाग में अपनी सेवा दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर लंबे समय तक सेवा देने वाले जस्टिस दत्तू ने कई अहम फैसले दिए जो न्यायपालिका के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित हुए। उन्होंने जज के तौर पर 12 साल तक सेवा दी। इतने लंबे समय तक जज रहने के चलते जूनियर जजों ने अक्सर दिशा निर्देशन को लेकर जस्टिस दत्तू से संपर्क किया और उनकी राय ली। In 2004, I was elevated a judge of Karnataka High Court. From January 2005, करियर का काफी लंबा समय कर्नाटक उच्च न्यायालय में जज के रूप में बिताने वाले जस्टिस दत्तू अपने जूनियर जजों के लिए हर वक्त आसानी से उपलब्ध होते थे। जूनियर जज अक्सर उनसे किसी केस को लेकर सलाह मशविरा क्या करते थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के बाद जस्टिस दत्तू साल 2007 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। कुछ महीनों तक वहां सेवा देने के बाद जस्टिस दत्तू को केरल उच्च न्यायालय में भेज दिया गया और साल 2008 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर प्रोन्नति दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के बाद जस्टिस दत्तू ने कई महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई की। पिछले अक्टूबर से जस्टिस दत्तू अति महत्वपूर्ण, संवेदनशील और सुर्खियों में रहे 2G केस को हैंडल कर रहे थे। कोलिजियम सिस्टम को खत्म किए जाने के बाद न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के चयन के लिए राष्ट्रीय न्यायिक कमीशन का गठन किया गया है और इस कमीशन के अस्तित्व में आने के बाद जस्टिस एच.एल. दत्तू पहले वो शख्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जस्टिस दत्तू का जन्म भले ही काडूरू में हुआ है, लेकिन उनके नाम के साथ हंडियाला जुड़ा है। आखिर क्यों, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कर्नाटक के बेल्लारी के एक छोटे से गांव हंडियाला से देश की राजधानी नई दिल्ली तक का जस्टिस दत्तू का ये सफर उन लोगों के लिए गर्व की बात है जो इस सुदूरवर्ती गांव हंडियाला में बसते हैं या जो इस गांव से ताल्लुक रखते हैं, कि उनके गांव का एक शख्स आज सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन चुका है। Having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, जस्टिस एच.एल. दत्तू का पूरा नाम हंडियाला लक्ष्मी नारायण दत्तू है। दत्तू का जन्म चिकमंगलूर जिले के काडूरू गांव में हुआ है, लेकिन उनके पूर्वजों का संबंध बेल्लारी के एक छोटे से गांव हंडियाला से था। करीब 100 साल पहले जस्टिस दत्तू के दादाजी हंडियाला से काडूरू चले गए, लेकिन जस्टिस दत्तू के पिताजी को अपने पूर्वजों के पैतृक गांव हंडियाला पर बहुत गर्व था। यही वजह है कि जस्टिस दत्तू के पिता ने उनके नाम के साथ हंडियाला जोड़ दिया। जस्टिस दत्तू के पिता प्यार से उन्हें हंडियाला लक्ष्मी नारायण दत्तू बुलाते थे। जस्टिस दत्तू के पूर्वजों के पास खेती की करीब 250 एकड़ जमीन थी। पूरे गांव के लोग उनके परिवार को जमींदार कहकर बुलाते थे। जस्टिस दत्तू के पिताजी एक हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जब दत्तू महज 16 साल के थे उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, जिसके बाद दत्तू ने अपने पिता के निर्देशन में काडूरू में अपनी प्रारंभिक और हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरी की। जस्टिस दत्तू अपने स्कूली लाइफ में काफी सक्रिय विद्यार्थी थे।
आज भी उनके दोस्त दत्तू के साथ बिताए गए मधुर पलों को याद करते हैं। ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। हम लोग स्कूल में क्लासमेट थे। जस्टिस दत्तू जब भी यहाँ आते हैं अक्सर हम लोगों से मिलते हैं। हम लोगों को ये सुनकर गर्व होता है कि हमारे दोस्त आज देश के चीफ जस्टिस बन गए हैं। दत्तू हमारे पड़ोस में ही रहते थे। वे ज़्यादातर खुद से ही पढ़ाई करने में व्यस्त रहते थे और पढ़ाई लिखाई में वे काफ़ी तेज थे। HL दत्तू ने अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था, इसलिए उनके पिताजी ने उनकी दसवीं पास करते ही आगे की पढ़ाई के लिए बंगलौर भेजने का फैसला किया और दत्तू को उनकी बहन के साथ ही बंगलौर के एक हॉस्टल में दाखिला करा दिया, जहां दत्तू ने सेंट जोसेफ कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी। दत्तू ने सिमोगा CBR नेशनल लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। दत्तू अपने खाली समय में ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। शुरू से ही दत्तू गंभीर और समर्पित व्यक्ति थे। वे अपने किसी भी काम को हर हाल में समय से पहले ही पूरा कर लेते थे। It's really a proud and historic moment for St. Joseph's College. He was actively involved in all the college activities and a highly intellectual, eminent man. People, those who studied along with him, always felt that one day he'll become a great personality, and that is where he is today, a great personality, a great achievement for the institution. We always look forward for this academic excellence and giving something great to the society, and this is a proud moment in the sense this person is our own, belongs to Josephite family, and has achieved the highest heights in the country, and we wish him all the best so that he can continue to serve our country and the society at large. उन्होंने मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाया। वे अक्सर दूसरे दोस्तों की मदद किया करते थे। आज जस्टिस दत्तू देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन हो चुके हैं। उनकी पृष्ठभूमि काफी सामान्य और विनम्र रही है। कुछ महीने पहले वे बेल्लारी जा रहे थे तो वो अपने पैतृक गांव हंडियाला का दौरा करना भी नहीं भूले। जब वे अपने पूर्वजों के घर का दौरा कर रहे थे तब उन्होंने गांव वालों को खुद से परिचित कराया। वे उन सभी स्थानों पर गए जहां उन्होंने अपने बचपन के अनमोल पल बिताए थे। ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಾ ಚಾನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆಯಮ್ಮ ನಮ್ಮಗೆತ ಎನ್ಸುವಾ जस्टिस दत्तू हमारे रिश्तेदार लगते हैं। हम लोग ये जानकर बेहद खुश हैं कि वे देश के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। सामान्यतया लोग जब ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं तो वे अपने अतीत को भूल जाते हैं, लेकिन स्वभाववश जस्टिस दत्तू ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। वे आज भी बड़ी शिद्दत से अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। सबसे अलग दत्तू की इसी खासियत ने गांव के सभी लोगों और उनके सहपाठियों को उनसे स्नेह करने को विवश कर दिया है। जस्टिस दत्तू की जो दूसरी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खासियत है वो है उनकी पंक्चुअलिटी, समय प्रबंधन और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता। हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जस्टिस एचएल दत्तू एक शिक्षक के बेटे हैं। जाहिर है उन्होंने समय की कीमत और उसका महत्व अपने पिता से सीखा। छात्र जीवन से ही वे अपने संस्कारों के मुताबिक चले और आज उसी का फल है कि हर कोई उन्हें बधाई देने को आतुर है। जस्टिस एचएल दत्तू की गिनती समय के पाबंद और सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों में होती है। उनके मित्र और शुभचिंतक जो उनके साथ हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, वे जस्टिस दत्तू का यही परिचय जानते हैं। अपने दफ्तर में काम के प्रति उनका समर्पण भाव लोगों के लिए हमेशा उदाहरण रहा है। वे खुद भी अपने जूनियर को काम के प्रति ईमानदार रहने और समर्पित भाव से काम करने की सलाह देते हैं। जस्टिस एच एन नागामोहन भी जस्टिस दत्तू के समय की पाबंदी को कुछ इस तरह बयां करते हैं। टू सिट विद जस्टिस एच एल दत्तू इन ए डिविजन बेंच इन कर्नाटका हाई कोर्ट इन द अर्ली डेज ऑफ माय जजशिप जस्टिस एच एल दत्तू मेड ए वेरी बिग इंपैक्ट इन बिल्डिंग माय करियर एंड शेपिंग माय सेल्फ एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट थ्रू हिम I imbibed the importance of time, the work culture, the art of conducting the court, the art of writing the judgments and articulating the reasons. ऊपर से सख्त दिखने वाले जस्टिस दत्तू संवेदनशील भी हैं। उन्हें अपनी माँ से काफी लगाव था। अपने खाली समय में वे अपने गांव काडुरु जाना नहीं भूलते। उन्हें अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना काफी पसंद है। आज भी वे उस लॉ कॉलेज को नहीं भूले जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। फुर्सत मिलने पर जब भी वे कॉलेज पहुंचते हैं, वहां के कॉलेज के अटेंडर की खैरियत पूछना नहीं भूलते। वे बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। मैं अक्सर पढ़ने के लिए उनसे किताबें लिया करता था। अब जबकि जस्टिस दत्तू न्यायपालिका की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ चुके हैं, तो ऐसे में उनके गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सामान्य कुटुंबದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ, ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಕೀಲರಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ये विरले ही देखने को मिला है कि खेती से जुड़े एक परिवार का एक लड़का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना हो। जस्टिस दत्तू वाकई मुख्य न्यायाधीश बनने के काबिल हैं। कर्नाटक राज्य के इन गरिमे हिरीमे अंत विशेषवा रैतन मग। जस्टिस दत्तू की सफलता से सिर्फ कादुरु के लोग ही खुश नहीं हैं, बल्कि इस उत्साह में उनके पूर्वजों के घर हंडियाला के लोग भी शामिल हैं। वे सभी जस्टिस दत्तू को बधाई देने में जुटे हैं। जस्टिस दत्तू को लेकर हम गर्व महसूस करते हैं। ईमानदारी और कड़ी मेहनत उनकी खासियत है और इसी दम पर उन्होंने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। He is equal to President of India, Prime Minister. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವನ್ನು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ। ಜಸ್ಟಿಸ್ ದತ್ತು ನೆ ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಏಕ್ ಛೋಟೆ ಸೆ ಗಾಂವ್ ಸೆ ಉನ್ಹೋನೆ ನಯಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ ಕಾ ಸಫರ್ ತಯ ಕಿಯಾ ಹೈ। तो हमारी खास पेशकश शिखर का सफर में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।